हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी कोई ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं रजरप्पा मंदिर आई हुई हूँ और यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों का मुंडन हो रहा है और गर्मी इतनी काफ़ी है कि आप सुन सकते हैं बच्चे कितने रो रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ कोई भी पेना काम नहीं कर पा रहा है, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर कूट का हो। देखिए ये मेरी छोटी दीदी है। सबको एसी में रहते हैं पर ऐसा समय आ गया है कि बेना का यूज करना पड़ रहा है कूट लेकर। देख सकते हैं कि हम लोग का चेहरा कितना काला हो चुका है गर्मी के कारण। देखिए पेट को ठंडा रखने के लिए हम लोग चने खा रहे हैं कि थोड़ा पेट को राहत मिले। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, आइए हम लोग रजरप्पा है होटल ओकेजन में। बहुत गर्मी है, मेरी छोटी बहू है हाँ। देखिए बच्चे का मुंडन अभी पूरा अच्छी तरह से हुआ नहीं है, हो रहा है। इधर भी देखिए बहुत काफ़ी गाइस, गर्मी इतनी काफ़ी है। मेरा तो उम्मीद यही है आप सभी से कि जब भी बच्चे को मुंडन कराने आए तो प्लीज़ कम से कम ठंडे में आइए, ताकि बच्चे का रोने कितना आवाज़ यहाँ आ रहा है। हम लोग भी हालत बहुत काफ़ी ख़राब है, देख सकते हैं सब गर्मी से मतलब बेहाल हो चुके हैं, क्या हम बता सकते हैं। देखिए सभी के पास कुछ ना कुछ है, किसी के हाथ में चना है पेट अपना ठंडा रखने के लिए, कोई बच्चे लेके गर्मी से दम झुलसते हैं, आइसक्रीम खाते खाते थक गए हैं फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रहा है। सभी के हाथ में आप देख सकते हैं कि कूट का बेना है। देखिए यहाँ पर कुछ साधन नहीं है गाइस, लाइन भी नहीं है, पंखा है पर वो भी चल नहीं रहा है। सुन रहे हैं गाइस बच्चों के रोने की आवाज़ कितना आ रहा है। बस मैं लास्ट शब्द आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई बच्चे का मुंडन आप कराइए तो प्लीज़ मेरी एक बात मान लीजिएगा कि वो ठंडे में कराइए, या तो गर्मी शुरुआत होते चाहे गर्मी लास्ट ख़त्म होते कराइए, इस गर्मी में मत कीजिएगा। हम सभी अपने फैमिली के साथ में आए हुए हैं पर गर्मी इतनी काफ़ी है कि सिर में भी बहुत काफ़ी दर्द हो ना हो, बच्चों की तबीयत मत ख़राब हो। बाय गाइस।